नमस्कार, मेरा नाम प्रकट लोके है और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो अमेरिका की पब्लिक लाइब्रेरी। तो देखो, मैं तो बचपन से बुक का शौकीन रहा हूँ, तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और इसके लिए मैं बहुत सारे लाइब्रेरीज में जाते रहता हूँ। पर जब से मैं यूएस में आया हूँ, एक ऐसी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी है ना, कम्प्लीटली फ्री होती है। तो मतलब जो यहाँ के सिटीज़न होते हैं ना, उनके पास एक कार्ड होता है और वो जितने चाहे बुक्स यहाँ से लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बुक्स नहीं मिलती है, यहाँ पे बुक्स भी मिलती है, डीवीडीज़ की भी मिलती है, यहाँ पे टीन्स के बुक है, यहाँ पे बच्चों के बुक है, तो हर टाइप के बुक आपको मिल जाते हैं। एंड सिंस यूएस इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। तो इसलिए आपको इस लाइब्रेरी में ना इंग्लिश में तो बुक्स मिल ही जाएंगी, आपको चाइनीज़ में मिलेंगी, जापनीज़ में मिलेंगी, हिंदी में मिलेंगी, तो ऐसे बहुत टाइप की आपको बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लिटरेचर की बुक है, यहाँ पे हिस्ट्री के बुक्स है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कंप्यूटर्स, ट्रैवल, आपको हर टाइप के बुक मिल जाएंगे और ये कम्प्लीटली फ्री है। ओके, और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप कितने भी घंटे आके बैठ सकते हैं। बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं ना, यहीं पे आके पढ़ाई करते हैं। ओके, यहीं पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जिनको भी कोई कोई बुक्स का रेफरेंस लेना रहता है, वो भी यहीं से बुक्स का रेफरेंस लेते हैं और यहीं पर पढ़ाई करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिलता है और आप यहाँ पे लैपटॉप भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स रखे हुए हैं, तो आप चाहिए तो आप वो लैपटॉप ले लो, या का फ्री वाईफाई यूज़ करो, या आप यहाँ पे पूरा दिन बैठो, पढ़ाई करो, आपका रिसर्च करो। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आपको ये पूरी की पूरी यूएस की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। सो चलो अभी लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, और हमारे साथ प्रणीश भी है और मेरी सिस। और ये लाइब्रेरी का सब सिटिंग एरिया है, सब बुक्स अभी प्रॉपरली अरेंज है और इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट भी किया हुआ है। मतलब फिक्शन फिक्शन की जगह पे है, हिस्ट्री अपनी जगह पे है, गार्डनिंग की बुक्स अलग है, बायोग्राफीज अलग है। और इसके साथ ये जो लाइब्रेरी ना, इसके अंदर आप इस तरह से बैठ के आपकी पढ़ाई भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे हैं और कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं और वो जो स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से वो बुक्स लेते हैं, फिर उसके नोट्स निकालते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इसके लिए उनको लाइब्रेरी में लैपटॉप्स भी अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद का लैपटॉप्स भी घर से लेके आ सकते हो। और यहाँ पे आप अलग अलग बुक देख सकते हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी, स्पेशली जो अमेरिका के रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसके बारे में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी। और बहुत सारी बायोग्राफीज़ मुझे यहाँ पे मिली, और दुनिया के जो भी फेमस लोग हैं, नहीं तो इम्पोर्टेंट लोग हैं, इन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे बायोग्राफीज़ मिली। और यूएस में जो बुक्स का बिज़नेस है वो भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। और जो सिटिंग एरिया है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पे बैठ के आपको बुक्स पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑल्सो यहाँ पे ये डीवीडी सेक्शन भी है, और उसके बाजू में ही ये अलग अलग लैंग्वेज के बुक्स का सेक्शन है, अलग अलग लैंग्वेज के बुक्स देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे रशियंस बुक दिखाई देंगी, आपको यहाँ पे चाइनीज़ बुक्स दिखाई देंगी, आपको यहाँ पे जापनीज़ बुक दिखाई देंगी। एट द सेम टाइम आपको सामने ही एक चिल्ड्रंस के लिए अलग सेक्शन है, वो भी आपको दिखाई देगा। बट आप जब भी देखते हो इन सब लाइब्रेरीज़ के अंदर, तो आपको दिखाई देता है कि दुनिया भर से लोग यूएस में आते हैं, और इसी के वजह से आपको स्पैनिश, कोरियन, इस लैंग्वेज की बुक्स भी आपको बहुत दिखाई देती है। ओके, सो ये एक एडवांटेज है यूएस लाइब्रेरीज़ का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं, आपको यहाँ दुनिया की अलग अलग जो भी प्रोमिनेंट लैंग्वेज है उसकी बहुत सारी बुक्स इस पब्लिक लाइब्रेरी में मिलेंगी। तो आपकी जो लैंग्वेज है तो उसके अंदर जो भी बुक्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, जो चाइनीज़ लैंग्वेज की बुक्स है ना, वो यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में थी। सो चाइनीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस आजकल यूएस में बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी जापनीज़ बुक भी यहाँ पे दिखाई देगी, स्पेशली वेस्ट कोस्ट में जो भी लाइब्रेरीज है ना, यहाँ पे जापनीज़ पॉपुलेशन बहुत सारी है। ऑल्सो यहाँ पे जो डीवीडी सेक्शन है, यहाँ पे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट वेल नोन मूवीज़ और म्यूज़िक की डीवीडीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। यहीं पे चाइनीज़ लैंग्वेज की मूवीज़ भी देखी, वर्ल्ड फीचर फिल्म्स भी देखी। सो बहुत सारी इंडियन मूवीज़ की डीवीडी भी यहाँ पे अवेलेबल थी, तो इंडियन मूवीज़ भी यहाँ पे अच्छी खासी फेमस है। तो डीवीडीज़ का तो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है, और आप चाहे जितना डीवीडीज़ यहाँ से लेके अपने घर पे जा सकते हो और मूवीज़ देख सकते हो। और यहाँ आज भी यहाँ पे डीवीडीज़ लाइब्रेरी इतनी प्रोमिनेंट है क्योंकि यूएस में ज़्यादा टीवी कल्चर नहीं है,
तो मेरी जो बहन है उसके घर के अंदर भी स्मार्ट टीवी है और उसके अंदर मोस्टली ये जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, HBO इस तरह के ऐप्स है और उनके थ्रू ही ये लोग मूवीज़ देखते हैं। इसके लिए लोग DVD आज भी घर पे लेके जाना पसंद करते हैं। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीन का एक अलग सेक्शन, वो यहाँ पे आके उनके टाइप्स के बुक पढ़ सकते हैं, ऑल्सो यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो एक कम्प्लीटली अलग सेक्शन है और यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग टाइप के बुक्स आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टोरी बुक्स है, मतलब कॉमिक्स भी है, ऐसे भी बुक्स है जिसमें पिक्चर के थ्रू स्टोरी बताई जा रही थी। ऐसे भी बहुत सारे बुक्स थे जो CD पे अवेलेबल थे, तो चिल्ड्रन मतलब वो CD देख के वो बुक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स दिखाई दे रही थी। और जैसे मैं मेरे नेफ्यू के साथ इस लाइब्रेरी में गया था तो मेरा नेफ्यू भी बहुत ही खुश था ये लाइब्रेरी में, और उसको तो लाइब्रेरी में जाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मुझे एक इंडियन बच्चों का बुक मतलब चंपक भी दिखाई दिया। और अगर बच्चे पढ़ाई करके बोर हो जाए तो भी यहाँ पे खेलने के लिए भी उनके लिए थोड़ी जगह रखी हुई है और छोटे छोटे इंटरेस्टिंग गेम है तो वो खेल सकते हैं और फिर से आके बुक पढ़ सकते हैं। तो मतलब इस तरह से ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज है ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बच्चे भी इस पब्लिक लाइब्रेरीज में आना चाहते हैं, बट कभी कभी बच्चों से आठ से बुक फट भी जाते हैं, फिर भी लाइब्रेरीज कोई चार्ज नहीं लगाती है और बच्चे अपने मन के मुताबिक जो भी सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है वो हिसाब से वो यहाँ पे जा सकते हैं, अपनी किताब, अपने पसंद वाली किताबें ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। अगर वो बहुत छोटे हैं तो पिक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ऑडियो वीडियो लेवल की किताबें भी अवेलेबल है। मतलब जब आप बुक्स के पेजे पलटते हो तो एक आपको ऑडियो भी सुनाई देता है। एट द सेम टाइम ये लाइब्रेरी ऐसी है कि यहाँ पे आके आप रिसर्च भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहे तो कोई कोई बुक्स की प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उसके अंदर ये जो सारी बुक्स है इसकी डिजिटल कॉपीज भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे बैठ के रिसर्च कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बड़ों को ही नहीं तो छोटे बच्चों को भी लैपटॉप्स दिए जाते हैं, तो आप वो लैपटॉप्स यहाँ पे ले सकते हो और बाद में जो CDs नहीं तो DVDs अवेलेबल है वो CDs और DVDs इन लैपटॉप के ऊपर दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस पब्लिक लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई होता है, तो ये वाईफाई का यूज़ भी आप सर्चिंग के लिए कर सकते हो। तो अगर आप US में कहीं पे भी घूम रहे हो और आपको अगर नेट चाहिए तो आप इस लाइब्रेरीज में जाके इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ने भी बहुत सारी बुक ली, मैंने भी बुक ली और मेरे नेफ्यू ने भी बुक ली। और लाइब्रेरी से ये बुक लेने के लिए आपको किसी लाइब्रेरियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्यूटर होता है, वहाँ पे एक सेंसर रखा होता है जिसके ऊपर आपको बुक रखना है, वो कंप्यूटर वो बुक्स रीड कर लेता है और बाद में आपका जो मेंबरशिप कार्ड है वो आपको फिर से सेंसर के सामने रखना है, वो आपके मेंबरशिप कार्ड में वो बुक्स अलॉट कर देगा और आपको एक रिसिट दे देगा। और उसके बाद वो सब बुक्स लेके आप घर पे जा सकते हो। और अगर आपको कोई बुक्स रिटर्न भी करनी है तो लाइब्रेरी के बाहर ही एक सेक्शन है, तो वहाँ पे नीचे आपको बुक्स रखनी है और एक बटन दबाना होता है तो ये जो बुक्स है वो अंदर चली जाती है। तो मेरे नेफ्यू को भी ये बहुत पसंद है तो उसने भी ये बुक्स अंदर डाली और उसके बाद कंप्यूटर वो रजिस्टर्ड कर लेता है कि आपने ये बुक रिटर्न किया और आपको एक रिसीट भी दे देता है। सो आई होप आपको ये US पब्लिक लाइब्रेरी का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ऑलमोस्ट 10,000 पब्लिक लाइब्रेरीज US में है और ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर जनरल मतलब प्राइवेट और पब्लिक मिला के लाइब्रेरीज है। सो आई होप ऐसी लाइब्रेरीज इंडिया में भी खुले। नहीं तो देखो क्या होता है कि अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है ना तो वो आपको बचपन में ही लग जाता है। तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बच्चे आके भी एंजॉय करते हैं। आपने देखा इनको बच्चों का अलग सेक्शन है, बच्चों के बुक्स हैं, तो बच्चों को ना बचपन से ना पढ़ने की आदत लग जाती है और वो लोग इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं ना तो ऑब्वियसली बुक मतलब वो बुक पसंद तो करने ही लगेंगे। सो आई विश कि ऐसी लाइब्रेरीज इंडिया में भी खुले और मैं भी एंजॉय करूँ, आप भी एंजॉय करें और आपके बच्चे भी एंजॉय करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। थैंक्स अ लॉट।